डोसा बनके रेडी हो चुका है। सो हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है शहजाद फैमिली ब्लॉग में। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। अगर आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। सो गाइस, हमारी मॉर्निंग वगैरह हो गई और अभी शाम, मतलब शाम का नाश्ता भी सब हो चुका है और बस अभी हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो हमारे घर में कुछ एक मेहमान आ चुके हैं, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो गाइस, ये रहे, ये है, मतलब कौन सी किटन है स्वानी है? ये मतलब बाहर जो रहते हैं ना स्ट्रीट कैट, उन्होंने उनमें से किसी एक ने बच्चा दिया लगता है। तो उन लोग दो जन थे, तो ये एक भीग रही थी, दूसरी पता नहीं किधर चले गई। तो ये एक भीग रही थी, स्वान ने भी उसको लेकर आया है, बारिश हो रही थी करके तभी उसको वहीं रखा हुआ। और हमारी कल्लो उसको देख के मारने जा रही थी, बट अभी बैठी हुई दिखा उसको स्वान। अभी इसकी ना पूरी पूछ वीछ है ना, जो ये पूरी पूछ वीछ उसकी ना एकदम खराब थी, पूरी गीली गीली थी, तो स्वान ने भी उसको साफ किया है। और सेम हमारी स्कूबी की तरह ही दिख रही है, कोको, सॉरी सॉरी, कोको की तरह दिख रही है जो हमारी कैट घूमी है। ये देखो, हाय माशाल्लाह, उसकी आंख ब्लू दिख रही है कैमरे में, अब्बा कितनी क्यूट है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाओ प्रीटी। और सेम वही कलर की, बस यही इसके अंदर व्हाइट भी ऐड है। और वो जो हमारी कोको थी वो पूरी ऑरेंज थी। सो अभी बारिश रुकी, अभी स्वान जाएगा, इसकी माँ इधर ही किधर होगी, घूम रही होगी बस। तो अभी स्वान जाएगा, उसकी माँ को देखेगा किधर है किधर नहीं। अभी इसको लगा, दिखा उसको, लगा ब्लू आके, ब्लू आके ना, नहीं पी रही यहाँ पे, उसके लिए दूध भी निकाल के रखे हमने, बट वो दूध भी नहीं पी रही है। कल्लो आ मेरी तल्ला, कल्ला 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 यहाँ पे बैठे है अब्बा, देख रख पीती है क्या, देख माँ अलग। गाइस माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत है वो, मैं क्या, उसका फेस अट्रैक्टिव है, इतनी खूबसूरत है। मतलब बहुत सारी कैट्स मैंने देखी, बहुत नॉर्मली रहती, बट ये मतलब बहुत ज्यादा माशाल्लाह प्रीटी है। ये देखो मम्मा, हेलो हेलो, नहीं पीगी मां, हेलो, थोड़ी गंदी है गाइस ये, मतलब बाहर तो रहती ना, हाँ पालने लगे ना उसको, एकदम सुंदर हो गई थी वो। मम्मी नहीं देखी आप, हाँ अभी उसकी माँ को ढूंढ के आएगा स्वान। अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए, नहीं पी रही ना दूध वो, कोको लोग भी इतनी उम्र में नहीं पी रहे थे दूध। हाँ माँ का दूध चाहिए उसको, नहीं पिएगी बबू, इंजेक्शन तो ट्राई करते हैं बबू। मम्मा बूंद डालेंगे, थोड़ा कांप रही है, जो बारिश में भीग गई थी। स्वान ने भी लेकर आया, देखो कैसे कांप रही, सो रही, डाल दे बास्केट में, डाल दे उसको थोड़े देर के लिए, जब तक का बास्केट। बहुत प्रीटी है गाइस, बहुत, उसकी आंखें एकदम ब्लू दिख रही है अब्बा, एकदम लाइट ब्लू है यहाँ पे अब्बा। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं भी आ चुका हूँ काम पर से, घर पे बस बैठा हूँ, थोड़ा थकान हो गया है, चाय वाय पिया हूँ, तो कपड़े भी नहीं चेंज किया, ऐसे ही बैठा हूँ, तो थकान जैसा लग रहा है। आए और यही कैट को देखे बैठे, अभी तुम बाहर देखे थे ना इन लोग को, भीग रहे थे ये, और सेम दूसरी वाली भी ऐसी थी, सेम ऐसी थी वो भी। हाँ दूसरी वाली तो पता भी नहीं किधर पे हो, तो दिखी नहीं, ये एक दिखी उसकी तो, कैसी थी तू बोली? अरे सेम उसकी कलर की, देख ऑरेंज व्हाइट रहती है, वही है इसकी माँ। हाँ बारिश में भीग मत तो, हाँ और यहाँ पर अम्मी भी बैठे हैं, अम्मी देख गए। गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, वेलकम हो गए सैयद फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस मैं जा रही हूँ कपड़े धोने की तैयारी कर रही हूँ, ये आने के बाद काम पे से आने के बाद ये काम करना भी बहुत जरूरी है। टी-शर्ट धुला हुआ है वो क्यों धोने जा रही है? नहीं वो ऊपर मशीन पे रखेंगे, टमाटर का ठेसा और खिचड़ी पापलेट बनाएगी बाद में, जिस दिन कपड़े नहीं धोने रहेंगे। अब पापलेट अभी नहीं, बाद में बना, आराम से बनाना जब छुट्टी रहेगी, तब रेसिपी भी देंगे ना हम लोग इस वजह से। रेसिपी बनाने के लिए क्या? हाँ उसके वजह से मैं बोली कि जाने, क्या मुंह खोल रहे भाई, इन भी मुंह खोल रहे, इन भी मुंह खोल रहे, है ना, ज्यादा काम का, पूरा बॉडी पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, क्या करेंगे, करना पड़ता है काम, नहीं करेंगे तो मेहनत मेहनत स्ट्रगल इज रियल। छुट्टी ले लेना गणपति की, गणपति की सब लोग छुट्टी लिए ले, सब लोग कोई 4 दिन लिया, कोई 5 दिन लिया, तो सब हम लोग के ऊपर ही आ गए। तो अभी अम्मी बस जा रहे, अभी कपड़े इतने सारे हैं मशीन में ऊपर, वो धुल लेंगे। और अभी मैं भी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, फिर वहाँ पे थोड़े से मतलब बर्तन भी रह गए जो चाय के निकलेंगे धोने के लिए, तो मैं वो खाना बना के धो लूँगी। तुम जाओ ऊपर का कर लो, मैं नीचे का करके ले लेती हूँ। अपना पीली खिचड़ी बनाने का है ना, मस्त पीली, अदरक लहसुन डाल ले,
अच्छी बना, और टमाटर मिर्ची का ठेसा, बोम्बिल नहीं है ना अपने पास, है ना, बोम्बिल का ठेसा बनाते हैं। बोम्बिल का अच्छा लगता है मेरे को, टमाटर तीन टमाटर ले लेना, ठीक है तो जाओ तुम भी जब तक ऊपर। अभी सुहान और सुहान गया है अभी स्कूबी की, मैं ये बच्ची की माँ को ढूंढने, उसको सुहान ने भी अंदर डाल दिया है, उसको बाहर छोड़ने को भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, अभी दिल नहीं कर ना, बच्चे बिक जाएंगे इसलिए बीमार बिल्ली से मुझे लगा बिल्कुल नहीं करना है सच में, वो नहीं करना है। वो कोको घूमी ना हमारी गाइस, जब से नहीं चाहिए हार्ट हो जा, इतने कभी बिल्ली पाले नहीं थे हम लोग, फर्स्ट टाइम हम लोग ने बिल्ली पाले थे, हम लोग बिल्ली से तो बहुत प्यारे, लेकिन हम लोग बिल्ली पाले नहीं थे मतलब घर पर, हाँ जब पाले तभी वो चली गई ना, जब से हम लोग को एकदम सदमा लग गया है, दिल नहीं करता बिल्ली, मैं लोगों को मना करी कि बिल्कुल बिल्ली लाना नहीं घर के अंदर। वो लाते लोगों खिलाते दूध पिलाते बस उतना ही, बस घर में हम उन लोग अभी तो गाइस फिलहाल हमारी ये कल्लो बड़ी हो जाएगी, अभी उसके साथ ही है गाइस, अभी इसको तो हमें तो रखना ही है, मेरी बच्ची का है ना मम्मा, ये बहुत समझदार है गाइस, बहुत सुंदर बच्ची है, तो अभी उसकी माँ को ढूंढेगा सुहान और उसकी माँ के पास रख देगा, उसको लेकर आए ना तो उसको दे सूंघ रही है, मतलब कौन है, जोर से फाड़ रही थी मारने, मारने जा रही थी उसको, आ गई ना कौन है, मतलब कौन है, और सेम उसको देख के कोको की याद आ गई ना अम्मी, सेम तुरतुरी की याद आई मेरे, तुरतुरी बोलते थे अम्मी तुरतुरी, बहुत बहुत मस्ती करती है, इतनी मस्ती करती थी ना, सर तक चढ़ जाते थे, बहुत मस्ती करती थी गाइस, हम आज भी बहुत मिस करते हैं उसको, दुआ करो अगर कहीं भी रहे तो नसीब में मिल जाए, ऐसे इत्तेफाक से ही सही, कहीं उम्मीद नहीं खोने का अब्बा, कभी अचानक मिल गई तो अल्लाह के करम से कहीं आ गई तो अम्मी है कि नहीं, उम्मीद नहीं खोने का कभी भी, मिल जाएगी कहीं भी रहेगा अच्छे से, वो बस हो गया, क्या कटेगा है क्या, कहीं भी है नहीं, तो चलो जाओ तुम भी कपड़े धो लो इतने, चलो मेरे को इतनी नींद भी आ रही है, अंगड़ाई भी ले रही, नींद भी आ रही है, चलो मैं भी खाना वाना बनाती हूँ गाइस, फिर आप लोग से मिलती हूँ। देखो हमारी स्कूबी कैसे ये थैले के अंदर जाके खेल रही है, वहाँ पर अभी अम्मी जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए, मुझे फोन किया तो मैं बस आई इसको देखने, और बाहर आज 5 दिन की गणपति जा रही है, यहाँ पर मेरी खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है, यहाँ पर अभी ठेसा मेरा बन रहा है, अभी मैंने इसके अंदर मिर्ची और लहसुन मतलब अभी इसको मैंने फ्राई करने मतलब रखी हुई हूँ, और अभी फिर मैं टमाटर भी ऐड करूँगी, तो मेरी खिचड़ी बन गई, बस अभी ये बनाना है, और बस इतने थोड़े से चाय के बर्तन है, और बस ये टोबो सब खाली करने का, ये सब गैस खाली हो जाता है, भर के रखते हैं हम लोग क्योंकि पानी की बहुत कटौती है यहाँ पर, तो लगता है तभी पूरा चारों पाँचों सब खाली हो जाएगा, तो मैं ठेसा भी बनाती, अभी ये फ्राई हो रहा है ना, उठाऊंगी ना तो पूरा ढाक ढाक उठेगा, तो मैं बनाती हूँ फिर आप लोग को बता। यहाँ पे जो छोटी वाली किटन है वो कैसे यहाँ पर बैठी हुई है, एंड उसकी माँ को, उसकी माँ मतलब मिल गई गाइस, वो बाहर है उसकी माँ, अभी उसको बुला रहे, अभी दूध पी है उसने, यहाँ पे देखो कैसे खेल रही है आराम से, आराम से, आराम से सुहान, आराम से हेलो, अभी इसको लेके जा रहा है सुहान नीचे, उसकी माँ को दूध पिला के लेकर आएगा गाइस, बहुत खूबसूरत है यार ये, उसको लेके जा रहे उसकी माँ को, कब से उसकी माँ को लोग ढूंढ रहे थे पता है, फाइनली अब जाके मिल गई है, मटर वगैरह भी सब फ्राई हो गया, अभी बस मैंने उसको खलबत्ते में अच्छे से कूटने के लिए ले चुकी हूँ, तो चले मैं अच्छे से उसको कूट लेती हूँ, फिर इसको वापस से हम तेल में डाल देंगे, तो अगर इसकी फुल रेसिपी आप लोग को चाहिए तो मेरे मुस्कान ब्लॉग्स पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग जाके वहाँ पे जरूर देखना, एंड क्यूटी देखो वहाँ बैठी, हाय क्यूटो, हेलो हेलो, बैठी भी है, तो चले गाइस मिलते हैं थोड़ी देर। मेरा ठेसा बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप लोग इतना मतलब तड़ाकेदार एकदम मस्त बना है, मैं क्या ही बताऊँ, और खिचड़ी भी जैसे बन चुकी है, सो बस अब मेरा काम हो चुका है, बस अभी सिर्फ बर्तन धोना है और खाना खाके हमें लेना है। तो अभी मैं आ गया हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी, अभी बारिश बंद हो गई, और आज 5 दिन की गणपति जा रही है, तो चारों तरफ खाली ढोल ही ढोल बज रहा है, और हमारे एरिया में तो देखो एकदम चका जग लग रहा है, पूरा सजावट है पूरा, और वहाँ पे देखो एक गणपति अभी जा रही है 5 दिन की, तो बोला चलो थोड़ा सा बाहर भी घूम के आता हूँ। ओ वाओ, एक नंबर,
देखो कितना सारा बम फोड़ रहे, बहुत बम फोड़ रहे। देखो खाली बम ही बम दिख रहा है, तो दिख रहा है ना, पूरा बम ही बम है पूरा। अच्छा बहुत आवाज आ रही है ढोल की। चलो अभी हम चलते हैं थोड़ा रोड पे, चाय वाय पी लेते हैं। आज 5 दिन की गणपति जा रही है ना। वाह बम फूट रहे धड़ाधड़ धड़ाधड़। आज चारों तरफ खाली पटाखी ढोल पटाखे ढोल का ही आवाज आ रहा है। धड़ा धुड़ धड़ धम धड़ा धड़ा धुम धुम धड़ा धड़ा। हाथ में लेके फोड़ रहे भाई बम ये लोग, तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, इतना आवाज आ रहा है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। गाइस गांव में भी बहुत धमाल होता है, जैसे वहां पे विश्वकर्मा पूजा हमारे यहाँ होता है और दुर्गा पूजा होता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे ना गाइस, तो वहाँ पे 9-10 दिन का मतलब पहले प्रोग्राम होता था, जैसे कहीं वीडियो लगता था, कहीं नौटंकी होती थी, ऐसा ड्रामा वगैरह होता था। तो उसको देखने के लिए ना गाइस हम लोग इतना मतलब वो हो जाते थे हम लोग कि क्या बताओ। घर से ना 5-6 बजे खाना वाना खा के हम लोग एकदम रेडी हो जाते थे, पूरे लड़के लोग हम लोग प्लान बन कर लेते थे कि हाँ निकलना है, लेकिन घर वाले जाने नहीं देते थे। तो चोरी से हम लोग क्या करते थे मालूम है, कप मतलब ठंडी रहती थी तो चद्दर वगैरह है ना ऐसा मस्त एकदम शर्ट के अंदर या टी शर्ट के अंदर अच्छे से लपेट लेते थे, और जैसे ये लोग थोड़ा सा बिस्तर पे घर वाले सोते थे ना, मम्मी अम्मी अब्बा वगैरह ये लोग, तो जैसे ही लोग थोड़ा आँख बंद करते थे ना, मैं छत के ऊपर से छपरे के ऊपर से नीचे जंप मार के चले जाता था, सुबह उन लोग के आने से पहले आके सो जाता था। तो हम लोग का एक भी दिन मिस नहीं होता था, हम लोग रोज डेली जाते थे देखने के लिए। बचपना जो रहता ना गाइस बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही बोले तो बहुत सबसे प्यारा, लाइफ का सबसे बेस्ट जो चीज़ होता है ना, सबसे अच्छा सुकून भरा वो है बचपना। जब तक कि आप खेल रहे हो कूद रहे हो खा रहे हो पी रहे हो घूम रहे हो, जब तक के अच्छा रहता है। उसके बाद में जैसे जिम्मेदारी आने लगती है ना, वैसी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो जब तक बचपना रहता है बहुत सही रहता है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहता, ना कमाने का ना कुछ, बस घूमना फिरना यही सब करना रहता है। तो गांव में हम लोग भी बहुत धमाल करते थे गाइस। अभी तो बहुत साल हो गया जो, और अभी ऐसा कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ प्रोग्राम होता भी नहीं, होता भी है तो ऐसा नॉर्मल होता है, क्योंकि अभी वैसा पहले ऐसा नाच वगैरह वीडियो वगैरह ऐसा लगता भी नहीं है, बट नॉर्मल ही होता है। नहीं तो कोई साल नहीं छोड़ते थे, हर साल जाते थे। अभी हम लोग के घर पे ही सड़क का जो घर है हमारे, सड़क के घर के बाहर ही अभी होने लगा, लेकिन मैं अभी एक भी साल वहाँ पे रुक के देखा नहीं हूँ, लेकिन कभी जाऊँगा तो फिर देखने मिलेगा। अभी क्या ही देखने मिलेगा, अभी तो बस शाम होती है, दिन भर काम पर से और थक हार के बस खाना खाओ और सो जाओ बस। तो बस थोड़ा सा टहल लेता हूँ, उसके बाद फिर चलता हूँ घर पे। बनियाइन में मैं बाहर आ गया क्योंकि अभी बस मैं जा रहा था थोड़ा सा लेटने के लिए, सोने के लिए जा रहा था, और रात में ये बनियाइन पहन के ही सोता हूँ। टी शर्ट पहन के गर्म होता है, इसके लिए मैं टी शर्ट पहन के नहीं आया, बनियाइन पहन के आ गया। तो मतलब अभी कौन चेंज करेगा, चलो इसी थोड़ा एक राउंड मार के आता हूँ, उसके बाद जाके सो जाता हूँ। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना हो गया, खाना वगैरह खा लिए, अभी बस जा रहे सोने के लिए। एंड गाइस आप लोगों ने जो बिल्ली देखे तो माशाल्लाह उसकी अम्मी मतलब उसकी मम्मी भी मिल गई, और अभी हमने उनको सेफ जगह पे रख दिया, और दो मतलब दो बच्चे थे सेम वही कलर के जो आप लोगों ने देखे, बाद में एक दूसरी वाली भी आई थी, पता नहीं लड़की थी कि लड़का थे, बट दोनों सेम थे और दोनों माशाल्लाह क्यूट थे। तो बट उन लोग जहाँ पे रहते तो हमने उनको उनकी जगह पे पहुँचा दी है। तो बस आज का ऐसे छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।